हाँ भाई नमस्कार सभी को। आज वही अपना नेक्स्ट वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान फायरमैन सर्विस की जो रिक्वायरमेंट निकली हुई है आने की संभावित जो क्वेश्चन है वो अपन करेंगे सोल्व आउट। ध्यान से वीडियो को देखना क्योंकि सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते। अगर नहीं आ रहे तो आपको सीखना है, अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपका रिटन एग्जाम क्लियर करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। कंप्लीट है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना है, टॉपिक टू टॉपिक सारी क्लियर चीजें आपको करवाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा, अडैप्टर का मुख्य कार्य क्या होता है। अडैप्टर का मुख्य कार्य क्या होता है फायर सर्विस में, और चार ऑप्शन मिले हैं अपने को, कौन कौन से। पहला ऑप्शन है होज पाइप को अलग करना, दूसरा ऑप्शन है होज पाइपों में एक से दो लाइन करना, तीसरा ऑप्शन है दो होज लाइनों में एक लाइन करना, और चौथा है समान आकार की होज या अलग आकार की होज की कपलिंगों को जोड़ना। पहले मैं क्या करूँगा, आपको यहीं पे थ्योरी क्लियर करवा देना, जो थ्योरी है ना वो क्लियर करवाएंगे। देखिए कैसे, अडैप्टर किसे कहते हैं फायर सर्विस में, अगर बिल्कुल नए हो, नाम पहली बार सुना है, अडैप्टर किसे कहते हैं सुनिए। अडैप्टर नाम आ जाए ना, अडैप्टर किसे कहते हैं, होता क्या है फायर सर्विस में अत्यधिक मात्रा में अपना पार्ट क्या रहता है, आग बुझाना। अगर हम आग बुझाएंगे तो अपने को क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा पानी। क्या चाहिए, पानी। यहाँ अपन ने एक आग लगी हुई देखी और इस आग को बुझाने के लिए अपने पास ज़्यादा क्या चाहिए, पानी चाहिए। क्या चाहिए, पानी। ये तो है बाद की बात है। अब अडैप्टर किसे कहते हैं वो बताता हूँ, थोड़ा उसको एग्जांपल के रिकॉर्डिंग बताऊँगा ताकि अडैप्टर वाला टॉपिक क्लियर हो जाए साथ साथ में और क्वेश्चन भी हो जाए। देखो कैसे, देखो होता क्या है, जब किसी पात्र से, पात्र यहाँ मैंने ले लिया पानी, चाहे वह तालाब है, चाहे वह नदी है, चाहे वह कोई भी ऐसा टैंक है जिसमें क्या भरा हुआ है, पानी। अब इस पानी को क्या करना है, अपने को उस आग तक लेकर के जाना है। पानी को क्या करना है, उस आग तक लेकर के जाना है। ध्यान से सुनना, अब आग तक लेकर के मैंने यहाँ क्या लगा लिया, पंप लगा लिया। पंप का कार्य होता है पानी को प्रेशर से आगे लेके जाना, लगा लिया। और अपने को यही पता है फायर सर्विस में कि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पाइपों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें कहते हैं होज पाइप। क्या कहते हैं, होज पाइप। अब अपने को होज पाइपों की जरूरत होगी, क्या किसकी जरूरत होगी, होज पाइपों। अब क्योंकि होज से होज जोड़ करके पानी लेकर के जाएंगे। अब बात करते हैं अडैप्टर की, होता क्या है, होज को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कपलिंग चाहिए। होज को, एक होज को दूसरी होज में जोड़ने के लिए कपलिंग चाहिए। कई बार ये होता है, देखो यहाँ पे एक ऐसी कपलिंग होगी जो इस वाली कपलिंग को अपने अंदर फिट कर ले, यहाँ पे एक ऐसी कपलिंग होगी जो इस वाली, यानी जुड़ता जाए, ऐसी प्रोसेसिंग होती है। पर कई बार क्या होता है, ये वाली कपलिंग यानी समान आकार की कपलिंग ही होती है, समान आकार की। अब समान आकार का कोई कपलिंग है तो कपलिंग का मतलब होता है जोड़ने वाला उपकरण है। अगर समान आकार का होगा तो अपन नहीं जोड़ सकते। उन अव्यवस्थाओं से बचने के लिए एक फायर सर्विस में इक्विपमेंट उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसे बोलते हैं अडैप्टर। अडैप्टर किसे कहते हैं, अडैप्टर कहते हैं समान आकार की या दो भिन्न भिन्न आकार की, समान आकार की या दो भिन्न भिन्न आकार की कपलिंगों को जोड़ने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अडैप्टर। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन आपका क्या, अडैप्टर का मुख्य कार्य क्या होता है, होज पाइपों को अलग करना, यहाँ अलग कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, कट कर दो। आगे वाला, होज पाइपों में एक से दो लाइन करना, यहाँ एक से दो लाइन आपने की है ना, अपने नहीं की ना, कट कर दो। अब दो होज पाइपों से एक लाइन करना, यहाँ तो दो होज पाइप अपन ने नहीं लगाई तो इसका मतलब एक होज पाइप करने का ये भी नहीं है सर। अब बोल रहे हैं समान आकार की होज या अलग अलग आकार की होज की कपलिंगों को जोड़ना, ये अपन ने पढ़ा था अभी, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, डी। कंप्लीट है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांच के आगे लगी बेसमेंट स्प्रे का क्या कार्य होता है। देखो क्या होता है, एक होती है ब्रांच, क्या होती है ब्रांच, ये लगाई जाती है होज पाइप के आगे। किसके आगे लगाई जाती है, होज पाइप के आगे, ताकि जो पानी आ रहा है वो किसे निकले, जेट में निकले बाहर। किस में निकले, जेट, चाहे वो धार में निकले चाहे वो फुहार में निकले पानी। देखो पानी, आग लगी है यार, आग को बुझाना है, चाहे जेट से डालो चाहे वो स्प्रे से डालो पानी, वो होती है ब्रांच। इसके आगे लगी होती है नोजल, क्या लगी होती है, नोजल, बिल्कुल ब्रांच के आखिरी सिरे पर लगी होती है, लास्ट में ब्रांच के आगे लगी बेसमेंट स्प्रे, यानी होगी नोजल, क्या होगी रहे, नोजल होगी। अब बोल रहा है बेसमेंट, कौन सी नोजल है, बेसमेंट स्प्रे वाला नोजल है, का कार्य क्या होता है। अब ऑप्शन दिए गए, पानी को जाग के रूप में बदलना भाई,
जागवाड़ा तो कोई मिट्री नहीं है, कैंसिल है। पानी को तेज धार के रूप में निकालना, पानी को तेज धार के रूप में निकालना, ब्रांच बेसमेंट स्प्रे पानी को तेज धार के रूप में निकालना, ना भी धार के रूप में क्यों, पानी को फुहार के, पानी के फुहार को चारों ओर गिराना, ये सही है। क्यों? क्योंकि ये बेसमेंट स्प्रे का काम यही होता है कि जो पानी होता है उसको, उस जो जितना अपने को पानी देगा ना, वो ब्रांच के चारों ओर क्या करेगा, फैलाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सी। उपरोक्त सभी कर भी मत देना भूल चूक से, क्वेश्चन को पहले पढ़ो, समझो, आए तो करो। उपरोक्त सभी में ये नहीं होता कि सारे क्वेश्चन राइट होंगे, तो ये आपका नहीं होगा। दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, उम्मीद करता हूँ साथ साथ में माइंड में बैठते जा रहे होंगे आपके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फायर सर्विस में अधिकतम कितने आकार तक की नोजलों का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए कैसे समझेंगे। एक तो फायर सर्विस में अपने को होज पाइप चाहिए, और होज पाइप के आगे लगाते हैं अपने ब्रांच, क्या लगाते हैं, ब्रांच लगाते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि जो ये ब्रांच है ना आगे लगी हुई, देखो यहाँ ये होती है ब्रांच, ठीक है, और इसके आगे लगी होती है नोजल, क्या लगी होती है, नोजल। अब पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं जो ये नोजल होती है ना, इनकी बताइए भी फायर सर्विस में कितने अमम से लेकर के और कितने अमम तक, कितने अमम तक ये नोजलें होती है। अगर पढ़ा है तब तो बता सकते हो, अदरवाइज नहीं, अगर प्रैक्टिकल किया है तो भी बता सकते हो। ये होता है पूरा का पूरा आपका सीखी हुई चीज़ का, जैसे आपने देख लिया, माइंड काम करना चाहिए। देखिए पहला है 12 अमम से 18 अमम, 12 अमम से लेकर के 18 अमम। दूसरा है 4 अमम से लेकर 12 अमम तक। तीसरा है 12 अमम से लेकर 35 अमम तक। और चौथा है 6 अमम से लेकर 82 अमम तक। अब एक बात बताइए, ब्रांच अपन प्रयोग करते हैं फायर फाइटिंग करते समय पानी को पर्याप्त मात्रा में धार या जेट के रूप में आगे पहुंचाने के लिए करते हैं ना, उसके आगे नोजल लगी होती है। अब नोजल का जो डाया होता है, देखो अत्यधिक इतना बड़ा डाया होगा तो क्या वो जेट और स्प्रे में बदल देगा, नहीं बदलेगा, ये तो कैंसिल हो गया। चलो मान लिया कम से कम तो 6 हो गया, ठीक है अभी मान लिया, पर इतना थोड़ी होता है, इतना इतना बड़ी ब्रांचों का नोजल कैसे होने लगा, इसका मतलब पंप तो पीछे बहुत बड़ा होगा ना, ये तो कट हो गया। एक मैं पूछ रहा हूँ फायर सर्विस में अधिकतम कितने आकार से लेके कितने आकार तक होती है फायर, 12 अमम से लेके 18 अमम तक होती है, पर अधिकतम निम्नतम से लेके अधिकतम थोड़ी, अधिकतम 18 अमम थोड़ी होती है, और भी होती है इससे बड़ी, ये भी कट हो गया। 4 अमम से लेके 12 अमम तक, ये भी कट हो गया। बच्चा कौन सा, 12 अमम से लेके 35 अमम तक। एग्जाम्पल दे देता हूँ एक छोटा सा, अपनी जो ओजरील होती है कितना होता है, समथिंग आधा इंच क्या होता है उसका डाया होता है, उससे बढ़ बढ़ करके जो अपनी ब्रांचें प्रयोग करते हैं ना, वो आगे ब्रांचें जितनी भी ब्रांचें प्रयोग करते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतने अमम से लेके इतने अमम तक होती है। तो ये अगर आपने देखा है तो बता सकते हो, अदरवाइज ये नहीं बता सकते। कंप्लीट है ना, राइट आंसर आप इन ऑप्शनों में, इन ऑप्शनों में पूछ रहा हूँ मैं, इन ऑप्शनों में राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर ऑप्शन देखना है, ऑप्शनों में अगर उनमें ऑप्शनों में राइट निकलना है वो अपने को निकालना है। कंप्लीट है, चलिए। अभी दिया गया ब्रांच होल्डर से फायर फाइटिंग करते समय क्या सहायता मिलती है, ब्रांच होल्डर से फायर फाइटिंग करते समय अपने को क्या सहायता मिलती है उस ब्रांच होल्डर से, वो अपने को बताने हैं। 4 ऑप्शन है, होज को अधिक दूरी तक फैलाना, नहीं होगा। फाइटिंग के समय ब्रांच को स्थिर रखना, ब्रांच में पानी की गति को बढ़ाना, नहीं होगा। उपरोक्त सभी नहीं होगा। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, फाइटिंग के समय यानी फायर फाइटिंग के समय जो ब्रांच होती है उसको स्थिर रखने का एक होल्डर लगा होता है। ब्रांच को कई बार ये होता है फायर फाइटिंग लटका देते हैं, यानी उसको स्थिर रखने का, उसको टिकाएपन रखने के लिए उसका होल्डिंग की व्यवस्था होती है, ब्रांच के साथ लगा होता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं ब्रांच होल्डर। कंप्लीट है ना, तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया क्विक रिलीफ नाइफ क्या होता है, क्विक रिलीज नाइफ क्या होता है। ध्यान से देखना, एक विशेष आकार की टेडी ब्रांच नहीं होती, एक विशेष आकार का एडप्टर नहीं होता, एक विशेष आकार का चाकू बिल्कुल भैया चाकू होता है, क्या होता है, चाकू। क्वेश्चन आ जाए क्विक रिलीज नाइफ अपना क्या होता है, तो क्या बताओगे आप, सी, विशेष आकार का एक चाकू होता है, विशेष आकार का लोहे का बर्तन नहीं होता। तो राइट आंसर कौन सा होगा, विशेष आकार का चाकू। कंप्लीट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल्ट कटर का मुख्य कार्य क्या होता है, बोल्ट कटर बेसिक, तो अगर आपने फायर सर्विस में थोड़ा बहुत ही नॉलेज है तब तो आप इस क्वेश्चन को, साधारण बिल्कुल नॉर्मल है,
टेंथ बेस की वैकेंसी है, हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो अपने को लगे ना ये तो आसान है, आएगा या नहीं वही आएगा, अपने को वही क्वेश्चन चूज करने हैं, उन क्वेश्चन को पकड़ना, पर समझना पड़ेगा। छोटे क्वेश्चन हो जरूरी नहीं है छोटे क्वेश्चन ही ना आए, छोटे क्वेश्चन आएंगे पर उनको समझो, रट्टा नहीं मारना, उनको समझो, उसके बाद में छोटे क्वेश्चन को करने का और भी आसान होगा। बोल्ट कटर का मुख्य कार्य क्या होता है? होज को दूसरी होज में जोड़ना। ना भी कटर बोल दिया तो मतलब ही नहीं है। एयरलाइन में रेस्क्यू समय उपयोगी सामग्री मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, ये तो कट है। मशीनरी में उपस्थित बोल्टों को काटना, ये सही है भैया, और ये उपरोक्त सभी मत कर देना भाई, मत कर देना। अगर जब आपको कोर्स करके फायर फाइटिंग में सिलेक्ट होना है, थ्योरी कंप्लीट करनी है, उपरोक्त सभी मत कर देना, क्योंकि देखने हैं और जब उपरोक्त सभी हो तब करना है, कंप्लीट है ना। अब चारों में से कौन सा? मशीनरी में उपस्थित बोल्टों को काटना का एग्जाम्पल है, जहाँ पर भी बोल्ट लगे होंगे जो किसी द्वारा अपन खुलते नहीं, उनको काटने के लिए बोल्ट कटर का प्रयोग किया जाता है, कंप्लीट है ना। ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर होगा, मशीनरी में उपस्थित बोल्टों को काटना। चलिए अब दे दिया। फायर सर्विस में शीयर का क्या काम होता है? ये क्या है भाई शीयर? फायर सर्विस में शीयर का क्या काम होता है? पानी को इकट्ठा करने वाला उपकरण, किसी धातु को काटने का उपकरण, होज में लगी कपलिंगों को, लग्स को खोलने का उपकरण। उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तीन बच्चे हैं, पानी को इकट्ठा करने वाला उपकरण, यार ऐसा तो हो नहीं सकता पानी को इकट्ठा करे, ये नहीं होगा। एक दे दिया, होज में लगी कपलिंगों को, लग्स को खोलने का उपकरण ना। अरे फायर सर्विस में शीयर क्या होती है बताता हूँ, सुनो ध्यान से। शीयर एक होता है कैंची नुमा उपकरण होता है। कैसा होता है? अरे कैंची नुमा उपकरण, कई बार ये होता है, ये होता है शीयर, कई बार ये होता है कि जब किसी धातु की वस्तु को काटना होता है ना, फायर सर्विस में रेस्क्यू कर रहे हैं, ताला काटना है, कोई चीज काटनी है, ये कैंची आकार की होती है जिसमें जबड़े से बने होते हैं, इस वाले उपकरण को कहते हैं शीयर, कंप्लीट है ना। तो किसको काटने के लिए? किसी धातु को काटने के लिए शीयर का काम क्या होता है? किसी धातु को काटने के लिए शीयर का प्रयोग किया जाता है फायर सर्विस में, कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीलिंग लाइन का मुख्य कार्य क्या होता है? सीलिंग लाइन, सीलिंग लाइन का मुख्य कार्य क्या होता है? पहला है बचाव कार्य में प्रयोग में ली जाने वाली ब्रांच, दूसरा है बचाव कार्य में प्रयोग में ली जाने वाली रस्सी, तीसरा है बचाव कार्य करते समय लेटाकर ले जाने वाला उपकरण, और चौथा है उपरोक्त। उपरोक्त भी तो नहीं करना। क्यों दे रहा हूं बार बार पता है आपको? इसलिए दे रहा हूं कि आपको क्वेश्चन राइट करना है, तुक्के नहीं मारने। वैकेंसियां बार बार मौका नहीं देती, गवर्नमेंट आपके लिए बार बार मौका नहीं देगी, मौका एक बार आएगा, चूक मत जाना। देख करके निकलना नहीं है, देख के समझना है उसको, और फिर अपन क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को फाइट कर सकते हैं, अपने जो सपने हैं ना पूरे कर सकते हैं भैया। कैसे? अब देखो सीलिंग लाइन होती क्या है? लाइन का मतलब होता है एक, देखो लाइन ये होगी लाइन। सीलिंग का मतलब क्या होता है? सीलिंग, कई बार एक नाम सुना ना, सीलिंग हुक, सीलिंग हुक ये होता है फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट होते हैं ना अपने, वो इक्विपमेंट पढ़ते हैं जिसमें टूल्स आते हैं, उसमें ये चीज़ें आएंगी। सीलिंग हुक क्या होता है, ये चीज़ें आएंगी। अब इसमें क्या बचाव कार्य करते इसमें लीजन ब्रांच नहीं होगी, बचाव रस्सी ये होगा, लेटा ले, ये नहीं होगा, उपरोक्त भी नहीं होगा, कैसे होगा? ये होता है इस प्रकार। देखो कभी कभी ये व्यक्ति क्या होता है, देखिए हाइट पे काम कर रहा है कोई व्यक्ति, हाइट पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब इसको क्या करना है, अव्यवस्थाओं से बचने के लिए व्यक्ति गिर जाए भी, सेफ्टी बेल्ट हाँ इसका पहना हुआ होता है, बेल्ट इसका पहना, पर फिर भी अगर ये लगे कि यार गिर गए तो किसी को पकड़ने के लिए कोई रस्सी तो चाहिए, तो सेफ्टी के लिए अलग से एक सीलिंग लाइन डाली जाती है ताकि कुछ प्रॉब्लम हो, अनसेफ वर्क के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति गिरता हो, बचाने के लिए रस्सी बनाई जाती है, रस्सी लगाई जाती है साइडों में। एक ये, दूसरा सीलिंग लाइन बोलते हैं व्यक्ति को रेस्क्यू करते समय बचाने के लिए जिस रस्सी का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं सीलिंग लाइन। ये अपने क्वेश्चन थे, सारों का क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ गए होंगे शायद, और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तब तक वेट कीजिए। और हाँ, इम्पोर्टेंट जो आपके लिए पार्ट रहेगा वो ये है,
जिन विद्यार्थियों को करनी है बेहतरीन तैयारी और जिन विद्यार्थियों को करना है इस फायर सर्विस में अपना सिलेक्शन वाला नंबर एक वो सीट चुननी है ना, उसके लिए मैंने ऑनलाइन काफ़ी समय से बोल रहे हैं सर ऑनलाइन आप नहीं दे रहे, अब दे दिया भैया, ऐप भी ले आए आपके लिए। कौन सा ऐप है आपके लिए? ऐप है SMG क्लासेज नोर, गूगल पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाकर के SMG क्लासेज नोर डाउनलोड कीजिए, फ्री में क्विज प्लस में जो फायर के जितने भी अपने बोलते हैं मॉक टेस्ट वहाँ मिलेंगे आपको। दूसरा, जितने भी अपनी थ्योरी की क्लासें हैं एक एक चीज़ में शेयर क्या होता है इसकी थ्योरी दी गई है, एक एक चैप्टर की संपूर्ण जानकारी आपको उस ऐप पर मिलेगी। जल्दी से जाइए, मात्र मैंने सभी बच्चों के लिए डिमांड के लिए 999 रुपये में पूरा फायर सेफ्टी का कोर्स कंटेंट और कंटेंट बी, नंबर आपको दिए गए हैं 8740871720, यानी उस पर आप कॉन्टैक्ट करके टोटल डिटेल ले लीजिए कि सर कैसे मिलेगा, क्या रहेगा प्रोसेसिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।